वर्ष नव संवत्सर 2080 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को पावन अवसर पर नववर्ष उत्सव का पोस्टर विमोचन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम सकल गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी महानगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष उपमा गुप्ता ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया। 23 मार्च को हमारी चैत्र प्रतिपदा के दिन हिंदू का नव संवत्सर होता है। संकल्प में कभी भी अंग्रेजी नववर्ष नहीं मनाया है, हम हमेशा हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर को मनाते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार हम कल दोपहर 3 बजे से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भजन भूषण श्री मनीष शर्मा जी के द्वारा उनके साथियों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और उसके उपरांत हम लोग आपस में एक दूसरे को जैसे नववर्ष की बधाइयाँ प्रेषित करेंगे। अब चैत्र के महीने शुरू होता है, होली के तुरंत चलने के बाद हम लोगों का नया साल शुरू होता है और हम पहले इसी संस्कृति के आदि थे, ये बाद में संस्कृति आई है, लेकिन सही वर्ष में सही रूप में इसका जो नववर्ष है वो अभी मनाया जाए। उन्होंने हमारी संस्कृति को पहचान देने के लिए और सुंदरकांड का पाठ करने के लिए ये कार्यक्रम किया है। मुझे लगता है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पुराने ढंगे पर पुरानी संस्कृति पर लौटने का काम करेंगे। पड़वा बोलते हैं, नवरात्रि का पहला दिन चैत्र उस दिन मनाई जाती है, लेकिन पंडित जी ने आज इसका उसके एक दिन पहले पोस्टर विमोचन का कार्य किया, कल के दिन सुंदर कांड का भी आयोजन पंडित जी ने रखा है। ये बहुत ही सुंदर विषय है कि अपने हिंदू नववर्ष को मनाने का ये इतना सुंदर तरीका जो अपनाया गया है, ये हर घर में होना चाहिए। कल का दिन मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि सभी लोगों को त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए और हर किसी को कम से कम 11 दीपक अपने घर के नीचे शाम को जरूर जलानी है।